afternoon, dear students. Dear students, I had given you a homework on this note making and summary के chapter में से ये एक मैंने आपको homework के लिए दिया था. Strategic planning पे जो आपको notes दिए थे, you had to make a summary. So did you try doing it? Yes, ma'am. आपने कहाँ किया? Notebook में किया? Yes. Did you try it? Yes. So I'll write the model answer, then I'll discuss with you all कि आपके कौन सा पॉइंट छूट गया या आपने कौन सा ऐड किया या किस तरह से हमारी समरी काफ़ी हद तक ठीक है, तो ऐसे हम डिस्कस कर लेंगे. सो आई जस्ट कंप्लीट राइटिंग. मीन वाइल जिन लोगों को भी लिखना है, आप नोट्स में ये मॉडल आंसर है, की आंसर है, आप इसको लिखना चालू कर सकते हो. मैनी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड राइटिंग. हो गया. One second, I just want to see the question. It's important because need to know. Okay. Hello, listen, listen. You guys, both of you, lecture start ho chuka hai kab se, aur hum bachchon ne likh ke bhi le liya hai, hai na? स्टार्ट किया लेकिन तुम बातें किए जा रहे हो. स्टार्ट किया नहीं, अभी खत्म हुआ कि नहीं वो पूछ रही हूँ. स्टार्ट किया कि नहीं नहीं पूछ रही हूँ. स्टार्ट तो कब का कर दिया हम लोगों ने. बातें नहीं करने बिल्कुल बीच में. और यू सिट सेपरेटली, यू ऑलवेज डिस्टर्ब इन द क्लास. यस. यू विल हैव टू फेस द म्यूजिक नाउ. आई नो दैट, बट मुझे स्क्रीन आपको एक स्क्रीन में फिट नहीं होगा, इसलिए मैं एकदम फिर नीचे जाऊंगी. ऊपर का किसका लिख के नहीं हुआ रहेगा तो. आई नो नीचे लाइन है. नीड टू मैक्सिमाइज किधर थी. एक्टिविटीज एंड प्लानिंग इंक्लूड क्रिएटिंग अ प्लान. नहीं तो क्या करना, जैसे तुम लोग किसके आंसर्स ग्रुप पे डालते रहते हो बीच बीच में, मैथ्स के, तो वैसा फोटो क्लिक करके ग्रुप पे डाल देना अगर सबका खत्म नहीं हुआ तो. है ना, यू ऑल पुट ना, पोस्ट ना आंसर्स ऑन द ग्रुप. या प्लानिंग इंक्लूड्स क्रिएटिंग अ प्लान, कीपिंग ट्रैक ऑफ रिजल्ट्स, कीपिंग track of results and altering course based on results. CR kidhar hai tu? 2 minute zara sabke homework check kar le. notebook mein kya rahega sabne, fatafat mujhe chahiye wo answer. quickly check jahan pe bhi kiya hoga, theek hai na. homework karne se matlab hai मेरा लिखा हुआ और तुम्हारे लिखे हुए में फर्क पता चलता है, तो यही लिखा हुआ होमवर्क है, मुझे मत बताना. ये मैं करूँ क्या स्क्रीन नीचे?
जिन्होंने नहीं किया है मेरे को तुरंत बता देना, इधर आएंगे सब लोग फटाफट, मुझे होमवर्क चेक करके चाहिए, और जिन्होंने नहीं किया लेट मी नो बाय। और किसने नहीं किया है आगे, किसने नहीं किया है भाई? नॉट डन, होमवर्क करके आना है। क्या पनिशमेंट? सीआर ने भी हाथ ऊपर उठा दिया है, नहीं किया है। क्या पनिशमेंट है अभी? यस, तो यू हैव टू फेस द म्यूजिक, बट व्हाट डू वी हैव टू डू, व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर यू ऑल? विल सी 25% हुआ है कि नहीं देखते, बट समरी में हर एक, हाँ तुझे लग रहा है और शॉर्ट होना चाहिए, ठीक है, हाँ ना, पिकिंग अप एन एरिया ऑफ लाइफ दैट इज मोस्ट चैलेंज्ड, एंड स्टार्टिंग टू प्लान फॉर स्पेसिफिक एरियाज। कैसे तुम होमवर्क करके नहीं आओगे, आओगे तो कैसे चलेगा? आपका इससे शॉर्ट है? बहुत शॉर्ट है, लिखाई नहीं, एक भी लाइन नहीं है ना। कितना लाइन्स है तेरा, दिखा, लेट्स सी। This is what the institute module has given. Of course, I don't mind if you cut down on ekad sentence. आप cut down करते हो तो भी चलेगा. Is written strategic planning contains plan tool for large organization individuals which helps to balance between passivity. Do you know what is passivity? Passivity is accepting. जैसे चल रहा है चलने दो. You are not taking control of life. आप लाइफ इज फ्लोइंग जस्ट द वे इट इज गोइंग ऑन एज इट इज, कि हाँ लेक्चर चल रहा है चल रहा है, शाम को बस आज किसी दोस्त ने कॉल कर दिया चलो मूवी देखने जाते चले गए, किसी ने कॉल कर दिया चल ना मुझे भूख लगी खाना खाने जाते, मतलब कोई प्लान नहीं है तुम्हारा कि नहीं एक घंटे पढ़ाई करूंगा फिर उसके बाद एक घंटा टाइम पास करूंगा। तो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग पैसिविटी इज एक्सेप्टिंग थिंग्स एज दे आर कमिंग, नो प्लान, सो यू शुडंट बी डूइंग दैट, देर शुड ऑलवेज बी अ प्लान, सो यू शुड ऑलवेज हैव अ प्लान। सो आई एम जस्ट रीडिंग आउट, एक स्टूडेंट का मैं समरी पढ़ रही हूँ, किसी और को आपके आंसर्स मुझे दिखाने, सारे अभी क्लास के टाइम नहीं पढ़ सकती, बट किसी को अपने चेक करवाने होंगे या मुझे दिखाने होंगे तो आप क्लास के बाद बिल्कुल मुझे दिखा सकते हैं। आई कैन आस्क यू टू क्लिक अ पिक्चर एंड गिव मी अ पर्सनल मैसेज, आई कैन चेक इट एंड आई कैन डिस्कस विथ यू कि क्या आपका गलत हुआ या क्या आपने सही किया, आई कैन। सो आई जस्ट रीड आउट, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग कंटेन्स प्लान टूल फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, बट देखना तूने कैसे लिखा, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग कंटेन्स प्लान टूल फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल्स, इट इज अ टूल, हाँ कॉमा दिया है क्या तुमने, समझ में नहीं आ रहा मुझे, टूल फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल विच हेल्प्स टू बैलेंस बिटवीन पैसिविटी हेल्पफुल फॉर, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेज है लेकिन बहुत बड़ा है तेरा पहला सेंटेंस, है ना, तो देख यहाँ पे खत्म कर सकता है, बट आई लाइक विच हेल्प्स टू बैलेंस बिटवीन पैसिविटी फुल स्टॉप, देन इट इज हेल्पफुल फॉर डिफिकल्टिंग स्मार्टनेस एक्सेप्टिंग अपॉर्चुनिटी एंड ऑल्सो हेल्प्स इन बिजनेस माई नॉलेज अबाउट एम्प्लॉई इन्वेस्टमेंट्स विच आर बेस्ड ऑन रिजल्ट्स एंड कीपिंग अ ट्रैक। नहीं थोड़ा सा मीनिंग इतना समझ में नहीं आ रहा है, सो आई विल डिस्कस अगेन विथ यू, राइट। Anybody shorter? इससे और भी शॉर्ट है किसी का? But notes, okay, see, I can just start strategic planning means what? It's a plan of action. And then yes, you can say what he has done, which is a tool. You know, sentences कम करने के लिए आई थिंक यहाँ पे इंस्टीट्यूट का मॉडल आंसर इतना ओके ओके टाइप से, वाई बिकॉज काफी बड़ा है उनका, सो वी कैन से स्ट्रैटेजिक प्लानिंग इज अ प्लान ऑफ एक्शन विच इज अ टूल फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन नेशंस एंड इंडिविजुअल्स। इंपॉर्टेंस,
It helps in balancing between passivity and trying to live according to a plan. It helps to embrace opportunities. So, आप plan करते हो कि हाँ अब अगर मुझे अभी I'll plan दो महीने एक साल I'll work with this company, another year I'll look start looking for a job. So you get opportunities or you plan कि अभी हमारा production कितना है, X product का production चल रहा है तो हम 6 महीने के बाद diversify करेंगे, कुछ और product निकालेंगे. Then we'll study, analyze competitors का क्या product है, हम भी वो हिसाब से product निकालेंगे. So that is planning. It helps you to grow, it helps you to get opportunities. Fundamental steps, yes. मतलब sequence में, हाँ sequence में, preferably sequence. मैं आपको आगे pressy writing बताऊंगी. summary और pressy writing में थोड़ा सा फर्क होता है, काफी similar भी है. एक चैप्टर में प्रेसी राइटिंग भी होगा. आपने देखा कल मैंने आपको पेपर का एनालिसिस किया तो प्रेसी राइटिंग भी था हमें, है ना. तो समरी एज इट इज हम लिखते हैं, थोड़ा सा ऑर्डर चेंज हो गया तो चलता है. प्रेसी राइटिंग में हम ऑर्डर फॉलो करते हैं और प्रेसी राइटिंग में वी राइट इन आवर ओन वर्ड्स. हियर वी डोंट यूज आवर ओन वर्ड्स. तो जैसे ऊपर जो दिया होगा, इट हेल्प्स टू बैलेंस बिटवीन पैसिविटी एंड ट्राइंग टू लिव अकॉर्डिंगली. दैट इज हाउ वी वुड से. हर एक चीज इंक्लूड करना जरूरी नहीं, बट ऑर्डर आप चाहे तो चेंज कर सकते हो. बट क्यों करो, अगर एक प्रॉपर फ्लो है तो नो नीड टू चेंज अननेसेसरली. उसी ऑर्डर को फॉलो करो तो अच्छी बात है, है ना. फंडामेंटल स्टेप्स इन प्लानिंग क्या क्या होता है. पहले क्रिएट अ प्लान. फिर सिर्फ प्लान बना के तो काम बनता है क्या? सिर्फ प्लानिंग से काम बनता है? उसका रिजल्ट देखो कि आपने स्टाफ को बोला है 6 days I want this and this is the target, ये आपने कंप्लीट करना है. अरे उन्होंने कंप्लीट किया ही नहीं तो क्या फायदा आपके प्लानिंग का. प्लानिंग करो, रिजल्ट ट्रैक करो. रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आ रहा है तो चेंज द प्लान अगेन सो दैट यू गेट द इफेक्टिव रिजल्ट. हाउ कैन वी प्लान फॉर कॉम्प्लेक्सिटीज इन लाइफ. स्ट्रैटेजिक प्लानिंग सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं है, इट कैन ऑल्सो हेल्प अस टू प्लान अ लाइफ. अगर हमारी कुछ एरियाज है, जैसे किसी को अकाउंट्स दो सब्जेक्ट से डर है, अकाउंट से डर है, मैथ से डर है. मैं तो हमेशा एज अ स्टूडेंट आई ऑलवेज हैड यूज टू टेक अ लॉट ऑफ टेंशन वाइल स्टडिंग. सो आई यूज टू गेट वेरी स्केर्ड वाइल अटेम्प्टिंग माई अकाउंट्स पेपर. सो आई नो हाउ इट इज, यू गेट टेंस्ड, इट कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयज एंड यू आर नॉट एबल टू गिव द पेपर वेरी वेल. सो इट अफेक्ट्स योर परफॉर्मेंस. सो वॉट इन केस स्टूडेंट्स बोलते हैं कि नहीं मुझे एक टॉपिक डिफिकल्ट लग रहा है ना डिफिकल्ट, पहले वही करो, फिनिश दैट ऑफ. आप बोलते हो आपको दो सब्जेक्ट्स का डर लग रहा है, जैसे अभी 4 या 5 ही सब्जेक्ट्स है, इंटर में 8 होंगे, फाइनल में और बढ़ जाएंगे. तो आपको कभी कभी ऐसा होता है कि दो सब्जेक्ट्स का ब्लॉक है. अरे टेंशन है, लेके करना क्या है, स्टार्ट वर्किंग ऑन इट. एक डिफिकल्ट है, चूज वन एरिया फर्स्ट, फिनिश दैट ऑफ. हाँ अभी इसका कॉन्फिडेंस आ रहा है, ग्रेट, नाउ आई विल टैकल द अदर एरिया. सो इन लाइफ ऑल्सो वी फेस कॉम्प्लेक्सिटीज. सो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग कैन ऑल्सो हेल्प यू इन प्लानिंग योर life, not only business organization but also helps you plan our life. So you choose an area जो थोड़ा सा आपको लग रहा है कि यहाँ planning की जरूरत है, उसको पहले stabilize करो, then move on to another area. बराबर. So that's it. Here we could cut down एक हाथ दूसरा इसमें से भी. Fundamental activities include creating a plan. Okay, one can plan for a complicated life by picking an area that is most challenged. Start for specific areas. When one is stabilized, start on the other. Okay. एक हाथ दो sentences इससे कम चल जाएगा. Right? Okay. ठीक है ना. किसी को आपका homework check करवाना होगा तो मुझे दे दीजिए. I can take and check and can give you the books tomorrow if you want. Or I can maybe check it on the photos that you send me. I'll check it. तो हर एक को आपका group पे नहीं डालना है तो मुझे पर्सनल मैसेज कर दीजिए, मैं चेक करके दे दूंगी. राइट. आई कैन चेक इंस्टेंटली इन अ डे एंड गिव इट यू. इट विल टेक टाइम मैनेजिंग माई अदर वर्क ऑल्सो. राइट. यस. Type 3. अच्छा लास्ट टाइप ऑफ दिस चैप्टर. ओके टाइप 3 में देखो क्या बोला है. ए पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ो और मुझे बोलना क्वेश्चन तुमसे क्या काम करवाना चाहता है. इंस्ट्रक्शन पढ़ो तुम लोग. Type 3 का इंस्ट्रक्शन पढ़ो बच्चा लोग. चलो जल्दी करो. Thank you.
क्या क्या काम दिया है आपको? मुझे उसको 1, 2, 3 नंबरिंग चाहिए कि तीन काम बोले हैं या दो काम बोले हैं, क्योंकि जब ऐसे 3-4 सेंटेंसेस आते हैं आपका ध्यान नहीं रहता एग्जैक्टली क्या बोला है। नंबरिंग चाहिए मुझे और बताना कि आपको कितना काम दिया है क्वेश्चन ने। दो काम दिए, तीन काम दिए, कितना काम दिया आपको? डिसाइड कर लो भाई, क्या क्या काम दिया है आपको? पहले तो रीड द पैसेज केयरफुली, ये भी काम है ना, पहला इंस्ट्रक्शन है। और ये रीड क्यों करना है, रीड क्यों करना है? सो दैट फर्स्ट यू कैन मेक नोट्स, यू अर्जेंटली नीड नोट्स, आपको करना है नोट्स में हेडिंग्स सब हेडिंग्स देना है, मतलब लीनियर नोट ही बनाना है। नॉर्मली नोट्स बोला जाएगा तो कौन सा नोट लिखना है आपको? लीनियर नोट। यूज रिकॉग्नाइजेबल एब्रीविएशंस, ये इंस्ट्रक्शन नहीं होगा तभी भी नोट्स में हमेशा एब्रीविएशन यूज करना ही चाहिए। क्या क्या बोलो? एब्रीविएशन यूज करना ही चाहिए वेर एवर नेसेसरी। यूज अ फॉर्मेट यू कंसिडर सूटेबल। सेकेंड, सप्लाई एन अप्रोप्रिएट टाइटल। एंड थ्री, ऑल्सो राइट अ समरी। तीन चीजें आपको बोली गई है, पहला नोट बनाना, दूसरा टाइटल देना और तीसरा समरी बनाना, बरोबर? ये सब तभी पॉसिबल होगा when you रीड द यस पैसेज। सो लेट्स स्टार्ट। Will you please read it? Read it. एक बार आप पढ़ लो, सेकेंड टाइम हम साथ में पढ़ेंगे, ठीक है? टेक योर बुक, हूज बुक यू गिवन योर बुक ना, उसको पास कर दे। काफी रिपीटेशन है देखो इस पैसेज में।
पढ़े साथ में अभी एक बार, और साथ में जब पढ़ेंगे तो मैं बोलूंगी हर पैराग्राफ में से अभी नोट्स बनाने, दो मिनट ध्यान से सुनना क्या होगा एग्जाम में. बाय द एंड यू नो आई एम गोइंग टू टीच यू प्रेसी राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, नोट राइटिंग, आर्टिकल्स. तो यू आर गेट गोइंग टू गेट कंफ्यूज्ड कि थोड़ा सा दो मिनट टाइम लगता है ना कि क्या एग्जैक्टली करना है. तो नोट मेकिंग, दो मिनट पहले सोचना है कि नोट मेकिंग में क्या होता है. दो स्टाइल होते हैं, लीनियर नॉन लीनियर. लीनियर मीन्स स्ट्रेट डाउन द लाइन, बराबर ना, स्ट्रेट डाउन द पेज वी कीप ऑन राइटिंग. उसमें क्या होता है बताओ, हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, एब्रीविएशंस करना है, और इंडेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है. वन, हमने क्या डिसाइड किया है कि हम रोमन नंबर 1, 2, 3 देंगे हेडिंग्स के लिए, और सब पॉइंट्स के लिए ए बी सी बोलेंगे, और ए के अंदर भी अगर पॉइंट है तो 1, 2 दे सकते हैं, राइट. सो इंडेंटेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस केस. इंडेंटेशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, एंड देन यू हैव टू फर्स्ट थिंक कि एग्जैक्टली है क्या. तो पहले हम फोकस करेंगे नोट मेकिंग. अच्छा, मेन आइडिया क्या है नोट मेकिंग का, इस पैसेज का? यस, क्या है मेन आइडिया, क्या है? राइटिंग स्किल्स. यस, सो इज इट टेलिंग यू टू इम्प्रूव योर राइटिंग स्किल्स? यस. सो कुड वी थिंक ऑफ दैट एज अ हेडिंग? यस. पूरा पैसेज आपको क्या बता क्या रहा है, राइटिंग स्किल्स कैसे इंप्रूव करनी चाहिए. सो इज इट टेलिंग यू अबाउट इंप्रूविंग योर राइटिंग स्किल्स? यस. लेट्स रीड इट. सी, इफ यू आर लुकिंग एट वेज टू इंप्रूव योर राइटिंग स्किल्स, सो मेनली इट स्टार्ट्स विथ द वेज यू शुड इंप्रूव योर राइटिंग स्किल्स. देर इज वन श्योर फायर वे, मतलब श्योर फायर मतलब सर्टन, सर्टन 100%. देर इज अ श्योर फायर वे, मतलब देर इज अ सर्टन वे, बरोबर? चलो चलो जल्दी करेंगे. देर इज वन श्योर फायर वे टू अकम्प्लिश दिस. अकम्प्लिश करना मतलब अचीव करना, टू अचीव दिस, आपको ये अचीव करना है. एवरी टाइम वी सिट डाउन टू राइट एन आर्टिकल, इंटेंशन शुड बी टू ट्राई एंड कीप थिंग्स शॉर्ट एंड स्वीट. सो हियर इम्प्रूव करने का पहला स्टाइल आपको क्या बोला गया है कि कीप योर राइटिंग शॉर्ट एंड स्वीट. सो दिस सीम्स टू बी वन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू इम्प्रूव योर राइटिंग स्किल. क्या होना चाहिए? शॉर्ट एंड स्वीट. गुड आर्टिकल्स आर शॉर्ट आर्टिकल्स दैट गेट पॉइंट अक्रॉस विथ मिनिमल अमाउंट ऑफ वर्ड्स. कम से कम वर्ड्स, मिनिमल मतलब कम से कम, लीस्ट वर्ड्स यूज करने. ऑल टू ऑफन हाउएवर वी फाइंड आवरसेल्व्स गोइंग आउट ऑन टेंजेंट. टेंजेंट मतलब किसी अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं. तुम बोलते हो ना, अरे ये क्या है, मुझे नहीं समझा, सब टेंजेंट चला गया. मतलब टेंजेंट का मतलब होता है सम अदर डायरेक्शन. सो वी, हम बात करना चाह रहे हैं एक टॉपिक पे, बट बात करते करते लिखते लिखते हम सडनली स्विच ओवर हो गए बात टॉपिक बी पे, दैट इज गोइंग ऑफ द ट्रैक. You are thereby increasing the length. ये अच्छी बात है या बुरी बात है? बुरी बात है. Effective writing skills includes ability to write. अरे कितना repetitive है, देखो फिर से बोला write less. कितनी बार बोला हमें repetitive नहीं करना है notes में. Write short, write less, minimal words. सबका बोलना यही है कि कम लिखो. खुद इन्होंने कितना लिखा है. Effective writing skills include the ability to write less, you and say more, but without repetition. This skill can be hard to develop. Here are ways which can make you write, make you a better writer. Why say something in 100 words that can be just said in 50? Your readers will greatly appreciate. इससे किसको अच्छा लगेगा? जो आपके readers हैं, उनको short बातें, short article पढ़ने को अच्छा लगेगा. It is always a good idea when writing to finish your composition and then let it sit for a while. मैंने आपको कल भी बोला, पहले हमने क्या किया, पहले रफ वर्क बनाया. आप एक फ्लो में एक इसमें समरी लिखना, प्रेसी लिखना पॉसिबल नहीं होता. यू नो, पहले आप समरी लिखते हो. यू नो, बहुत सारे लोग हैं जिनको पैसे मिलते हैं समरी बनाने के. जैसे बुक्स है, बुक के पीछे ब्लर्ब होता है. ब्लर्ब इज एट द एंड ऑफ द बुक. इट मीन्स अ शॉर्ट थिंग अबाउट द बुक. सो ऑफकोर्स द राइटर्स एंड ऑथर्स दे नो एग्जैक्टली. 300 पेजेस की बुक है यार, उसको एक पेज में समराइज करना है उनको, और बुक के पीछे लिखना है कि इस बुक में क्या है. डिफिकल्ट, नो? सो देयर इज अ आर्ट ऑफ डूइंग दैट. सो मेनी पीपल आर पेड कि आप इतना बड़ा जो आर्टिकल है, बुक्स है, पेपर में उसके बारे में, न्यूज़पेपर में उसके बारे में छोटा सा समरी दे दो, तो लोगों को पढ़ के लगेगा अरे अच्छा लग रहा है ये किताब, जाके खरीदना चाहिए. यू नो, नाउ लेटेस्ट बुक ऑन हैरी पॉटर हैज कम, फोर्थ एडिशन हैज कम, सेवंथ हैज कम, गो एंड रीड इन दिस. दिस इज व्हाट हैपेंस टू हैरी, दिस इज व्हाट हैपेंस टू यू नो डम्बल. आप पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते? आई डोंट. ओके, ठीक है. सो विच एवर बुक, वट एवर यू रीड, दैट्स ओके. सो यू नो, ऐसे फिर लोगों का इंटरेस्ट डेवलप होता है. मेनी पीपल गेट पेड फॉर डूइंग समरीज, राइटिंग प्रेसिस. ओके, विथ अ लिटिल थॉट
You all read or you all don't read? अभी तो टाइम नहीं मिलता. पढ़ते हो किताबें कि नहीं पढ़ते? पढ़ाई की किताबें नहीं, और कुछ पढ़ते हो क्या? नो, कभी नहीं. डोंट गेट टाइम. ओके, विद अ लिटिल थॉट एंड फ्रेश परस्पेक्टिव यू कैन ऑलवेज एडिट. अच्छा देखो क्या बोला गया है, इधर सुनो, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है. शॉर्ट में कैसे, एक बार लिखो, लीव इट फॉर 10 मिनट्स. आफ्टर 10 मिनट्स लुक एट इट अगेन. After 10 minutes, फिर से देखो, फिर आपको लगेगा अरे हाँ ये एक आधा सेंटेंस ज्यादा हो गया, इसको एडिट करते. देन यू कैन एडिट इट अगेन. देन यू कैन एडिट इट. सो यू कैन एडिट योर वर्ड्स, फ्रेजेस और पैराग्राफ्स. गेटिंग योर पॉइंट अक्रॉस यूजिंग अ फ्यू वर्ड्स एज पॉसिबल विल गिव दोज वर्ड्स यू डू नॉट यूज मोर इम्पैक्ट. योर एबिलिटी टू स्टिक टू द सब्जेक्ट, सो यू हैव टू स्टिक टू द सब्जेक्ट, गेट टू द पॉइंट इज समथिंग एवरी रीडर विल अप्रिशिएट. अच्छा सुनो ना, ये इतना जो हमने पढ़ा, आप भी ऐसे लाइन ड्रॉ कर सकते हो. और यहाँ पे क्या बोला गया, मेन पॉइंट्स क्या थे, बी शॉर्ट एंड लेस वर्ड्स. या सो फर्स्ट राइट एंड टेक अ ब्रेक एंड देन यू कैन एडिट. यहाँ पे बोला है कि आप एडिट कर सकते हो आपका टेक्स्ट, राइट. शॉर्ट करने का एडिट इज ऑल्सो अ पार्ट ना, जो बाद में लगा कि अरे ये सेंटेंस दो बार आ गया, रिपीटेटिव हो गया, इसको काट डालो, तो हम एडिट कर सकते हैं. A common tendency for most writers is to sometimes deviate from the main point of the articles. कितनी बार बोल रहे हैं ना, कभी कभी articles authors क्या कर जाते हैं, they deviate from their main point. In fact, meandering actually it is pronounced, away from your in, yes it means wandering away, okay, from your intended subject can irritate the readers. अयो तुमको readers को irritate करना है क्या? नहीं, हम लोगों को भी हो रहा है ना थोड़ा, यहाँ पढ़ते पढ़ते हम बोल रहे हैं अरे फिर से वही बोला है, फिर से वही बोला है. सो व्हेन यू आर रिपीटिंग यू डोंट लाइक सम थिंग्स, राइट. द एडिशनल कंटेंट डज नॉट नेसेसरीली एड एनी वैल्यू टू द आर्टिकल इटसेल्फ, देयरफॉर इट कैन बी लेफ्ट आउट व्हेन पॉसिबल. अगर आपने कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया और उससे कोई वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा है तो जाने दो, उसको क्या करने का, नहीं 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 उसको क्या करने का, काट डालने का. उसको क्या करने का, काट डालने का. लर्न टू राइट so everybody understands. Don't क्या रे, हाँ ठीक है. Learn to write so everybody understands you and don't try to impress with your vocabulary. आपने ज्यादा words use किए तो अच्छी बात नहीं है. पता है हमने connotation में सीखा था verbose and eloquent. अगर आप verbose मतलब extra ही ज्यादा ही words use कर रहे हो and eloquent हो ना अच्छी बात है, मतलब you are using good words to a good extent. Now the need for dictionary. अच्छा be simple, यहाँ बोला जा रहा है आपने क्या करना चाहिए, simple. Don't use complicated vocab. वोकैबुलरी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होनी चाहिए, कि रीडर्स को डिक्शनरी खोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए. जैसे शशि थरूर हैज गॉट वेरी गुड इंग्लिश, बट इफ ही राइट्स एन आर्टिकल एंड वी रियली डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज ही ट्राइंग टू से, एवरी टाइम यू हैव टू ओपन अ डिक्शनरी आफ्टर अ पॉइंट यू विल से लेट इट बी, जस्ट लीव इट, हम नहीं पढ़ेंगे. सो रीडर्स को अगर आप डिक्शनरी खोलने को लगाओगे, योर लैंग्वेज इज गुड फाइन, बट राइट इन अ लैंग्वेज विच अदर्स कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड. सी हियर, always it's inconvenient dictionary, always write for general audience and never assume they have an appreciation for verbose vocabulary. dekho verbose aa gaya, verbose vocabulary matlab kuch zyada hi words use kar dena. verbose humne sikha hai kya? are you carrying your notes everything? sare chapters hai kya? verbose word dhoond ke nikalo, page number batao. pehla student jo batayega will get a chocolate, come fast. अपने नोट्स में से वर्बोज वर्ड मुझे ढूंढ के बताओ. पेज नंबर रियली 21, ठीक गुड. पेज नंबर 21 क्या, किसने बाद में बोला, फर्स्ट तूने बोला? हाँ ओके, पे अटेंशन. The best way to improve your writing skill is through repetition. One of the most effective होना चाहिए ना,
द वर्ड डजन मेक एनी सेंस, टाइपिंग एरर हो गया रहेगा. द मोस्ट इफेक्टिव, वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव राइटिंग टैलेंट्स अ पर्सन कैन डेवलप इज द एबिलिटी टू राइट लेस एंड से मोर. अयो फिर से वही बोला है. दिस इज पर्टिकुलरली ट्रू वेन यू राइट एन आर्टिकल सिंस यू वॉन्ट टू कैप्चर द रीडर्स अटेंशन विदाउट बोरिंग देम. एज अ रूल ऑफ थम, अयो गुड आर्टिकल्स आर शॉर्ट आर्टिकल्स. एज अ रूल ऑफ थम गुड आर्टिकल्स आर शॉर्ट आर्टिकल. ठीक है, अब मुझे आप ढूंढ के बताओगे एक टाइटल. टाइटल तो हमने डिसाइड कर लिया क्या, इम्प्रूव योर राइटिंग स्किल्स. हाँ, अब मुझे हेडिंग्स में सब हेडिंग्स चाहिए अपने को, है ना. हाँ, सब हेडिंग्स आप कितने दोगे, तीन तीन सब हेडिंग्स दोगे क्या? नहीं नहीं, देखो तो ट्राई तो करो, तीन सब हेडिंग्स ढूंढो. आती है क्या? मैं बोल रही हूँ मुझे तीन सब हेडिंग्स दो, मतलब तीन सब हेडिंग्स दो, जल्दी करो. हाँ, डोंट शाउट लाइक दिस आंसर्स, आई कांट जस्ट अंडरस्टैंड, कीप इट इन योर माइंड. आई विल आस्क यू, रेज योर हैंड्स एंड गिव मी द आंसर्स. देन आपके तीन सब हेडिंग्स रेडी है क्या? कीप देम रेडी, आई विल आस्क यू. मुझे ऐसा लग रहा है, देखो पहला और दूसरा पैराग्राफ है ना, वो शॉर्ट में बोल रहा है कि कीप राइटिंग शॉर्ट. उसके बाद सी अलग अलग पैराग्राफ है. देखो ये जो द नीड ऑफ द डिक्शनरी नहीं होना चाहिए यहाँ पे है, हम बोलेंगे ये सिंपली हो गया. हाँ, स्टिक टू द सब्जेक्ट, यस. यहाँ पे एटलीस्ट उन्होंने एक नया टॉपिक तो निकाला, नहीं तो बार बार वो ब्रीफ ही रहो ऐसे बोल रहे. तो स्टिक टू द सब्जेक्ट एंड लास्ट वी कैन से कि मतलब इजी प्लेन लैंग्वेज में लिखो, ज्यादा वोकैबुलरी यूज करने की जरूरत नहीं है. राइट, यस. सो वील राइट हाउ मेनी, थ्री सब हेडिंग्स. व्हाट आर योर, व्हाट हैव यू ऑल थॉट ऑफ थ्री सब हेडिंग्स? यस, नो नो, ऐसे इफ एवरीबडी शाउट्स हाउ डू आई अंडरस्टैंड, रेज योर हैंड्स. यू गिव योर सब हेडिंग्स, समबडी एल्स गिव्स. हूएवर इज रेडी रेज योर हैंड. यस, हाँ बोलो. Yes, effective writing. Yes, so that these three subheadings are also good. Yes, anybody else? Bol. Ha, bol. Minimum amounts of words, okay? Matlab short and sweet ho gaya na. Ha, second? Stick to subject, okay. Third? इफेक्टिव राइटिंग, वेरी गुड वेरी गुड. यस, हाँ ठीक है, उसने लेकिन मार्क करके उसके हिसाब से बोला, सही, अच्छी बात है. और कोई? यस यस, प्रॉब्लम फेस्ड बाय द रीडर. पहला हेडिंग क्या बोल रही है, सब हेडिंग क्या बोला तूने? Ways to write. Yeah, okay. You are changing the sequence, but we are allowed to do so. So, तूने ways जब बोलेगी तो नीचे से लेके ऊपर तक जा रही है. So that way. I'll but tell you what she is saying is also okay. But I would suggest exam viewpoint से जाना है तो sequence follow करो. So easy होता है. You are changing the sequence, but is that allowed? Absolutely allowed. Everybody has a different writing skill. So you could go ahead with those three. लिखेंगे ना, है ना, लिखेंगे तो आई विल गिव यू ना थ्री पॉइंट्स. यस, एनीबडी एल्स हैज डिफरेंट, शी हैड डिफरेंट पॉइंट्स? नो, एवरीबडी हैज अ डिफरेंट राइटिंग पैटर्न. यू कांट फोर्स एनीबडी टू राइट इन अ पर्टिकुलर वे. डन, लिखना चालू करें क्या? अच्छा सुनो, स्पेस कितना है आपके पास? वन पेज, ठीक है. तो जितना लिख पाएंगे इस वन पेज पे लिखेंगे, वरना हम बाद में नोटबुक में लिखेंगे. राइट, क्या राइट डाउन,
आंसर पहले अयो कौन बात कर रहा है फर्स्ट क्या है नोट मेकिंग नोट मेकिंग दो तीन चीजें हैं इसलिए अच्छे से ये करो पहले हम क्या आंसर कर रहे हैं नोट मेकिंग तो उसका टाइटल देंगे इंप्रूव योर इंप्रूव योर राइटिंग स्किल्स डोंट टॉक कम ऑन बी क्विक इंप्रूव योर राइटिंग स्किल्स पहला अच्छा टेल मी वन थिंग सो व्हाट इज द फर्स्ट हेडिंग दैट योर सब हेडिंग दैट यू आर गिविंग शॉर्ट एंड स्वीट ओके देन आई रीड एंड टेल यू व्हाट इंस्टीट्यूट हैज रिटन बट आई विल गो एज पर व्हाट यू ऑल आर सेइंग ओके शॉर्ट एंड स्वीट एब्रीविएशंस यूज करने होते हैं ना नोट मेकिंग में भूलना मत हेडिंग्स और सब हेडिंग्स में अवॉइड करेंगे विल यूज देम इन द पॉइंट्स अब एक मिनट अब सिर्फ शॉर्ट एंड स्वीट इससे रिलेटेड प्लीज शाउट मत करना आंसर्स डोंट शाउट योर आंसर्स डोंट टेल मी योर आंसर्स राइट नाउ मार्क 1, 2, 3 पॉइंट्स इन योर आंसर स्टार्ट जल्दी करो क्या शॉर्ट एंड स्वीट के नीचे मुझे 3 पॉइंट्स चाहिए और कौन से 3 पॉइंट्स है तुम पैसेज में मार्क करोगे आइयो समझा क्या वन टू थ्री ओके आर यू रेडी पहला ऑफ कोर्स होना चाहिए यूज लेस वर्ड्स हाँ लेस वर्ड्स और मिनिमल वर्ड्स ओके नहीं लिख नहीं रहे पहले हम डिस्कस करेंगे दूसरा मुझे एक चीज तो लग रहा है कि एक पॉइंट तो ये आना चाहिए कि एडिट अनवांटेड वर्ड्स शॉर्ट करना है मतलब एडिट अनवांटेड वर्ड्स तो अगर हम शॉर्ट वाले पैराग्राफ में देखेंगे तो बताओ मुझे आपने क्या बोला पहला पॉइंट क्या बोला आपने किधर है हाँ मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्ड्स तो लेस वर्ड्स उसके बाद एंड देन लेट इट फ्यू वर्ड्स स्टिक फ्यू वर्ड्स एडिट वाला पॉइंट किधर गया हाँ एडिट आउट अनवांटेड वर्ड्स एंड फ्रेजेस और एक पॉइंट क्या दोगे वी सेइंग राइट लेस मींस वी सेइंग यूज लेस वर्ड्स नो रिपीटेशन से और भी अगर कोई आता है क्या देखते हैं योर एबिलिटी टू स्टिक टू द पॉइंट ये तो सेकंड हेडिंग में जाएगा स्टिक टू द पॉइंट में एडिट गेटिंग योर पॉइंट अक्रॉस ऑल टू ऑफन हाउएवर वी फाइंड आवरसेल्फ्स गोइंग आउट टेंजेंट्स थereby इंक्रीजिंग द लेंथ इफेक्टिव राइटिंग इंक्लूड्स टू राइट लेस विदाउट रिपीटेशन ओके वी कैन यूज दैट देन विदाउट रिपीटेशन और आई थिंक वी कैन ऑल्सो राइट वन वर्ड ये भी हो सकता है ना रीडर्स एप्रिशिएट लेसर वर्ड्स ना और रीडर्स एप्रिशिएट शॉर्ट आर्टिकल्स दैट इज ऑल्सो यहाँ पे दिया है ना कि रीडर्स विल हाईली एप्रिशिएट दिस क्या क्या गुड आर्टिकल्स और शॉर्ट आर्टिकल्स या और रीडर्स कैन एप्रिशिएट ओके सो लेट्स स्टार्ट राइटिंग बाद में इंस्टीट्यूट का आंसर देखेंगे आज नहीं देखेंगे पहले हम हमारे हिसाब से लिखेंगे
सो सब पॉइंट लिखना है ना, तो ए लिखते हैं हम लोग। हाँ, ए कहाँ लिखूँ, वन के नीचे थोड़ा हटके, आगे आगे हटके। हाँ, फटके भी खाओगे नहीं तो। चलो, ए में क्या लिख रहे हैं हम लोग, यूज ये यूज फ्यू वर्ड्स, अच्छा यूज मिनिमल वर्ड्स बोल के मिनिमल को एब्रिविएट कर दे। हाँ, तो MIN कर देंगे, मिन। हाँ, यूज मिनिमल वर्ड्स और फिर नीचे की देना है, बरोबर। एक मुझे एक चीज बोलो ना, कहीं ऐसा बोला है क्या, गिव सम थॉट टू द टॉपिक और ऐसा कुछ कि सोचो और कंसोलिडेट, नहीं दिया है, कहाँ बोला है? A little thought, edit वाले के पहले, एक सेकेंड। हाँ, so with a little thought and fresh perspective, so even this could be important, आपको edit करना है, so give a thought to your writing. So I can write that also. Give a thought to your writing. कि सोचो और फिर edit करके unwanted words निकालो। कि सोचना भी एक important काम है ना? हाँ? So पहला हमने बोला use minimal words. B will say give thought. Thought को short करो क्या कुछ? Give thought to the topic बोल दे, topic. टॉपिक को क्या शॉर्ट करूं? टॉपिक कर दूं, टॉप लिख दूं, टीपीसी करें, राइट। सो वॉवेल्स काट देंगे, कौन रे टीपीसी कौन चुबेट? हाँ, टीपीसी सी पॉइंट। और क्या बोला था हमने सी पॉइंट? एडिट अनवांटेड वर्ड्स एंड फ्रेजेस। क्या रे? हाँ, डेविएट मतलब नो नो, डेविएट इज गो अवे, टू गो अवे फ्रॉम द टॉपिक। मीनिंग लिखना है, डेविएट मतलब टू गो अवे, मतलब मेन टॉपिक जो चल रहा है तुम उस ट्रैक पे नहीं हो, यू आर मूविंग अवे फ्रॉम इट, टू मूव अवे फ्रॉम द टॉपिक। मैं यहाँ पे डी पॉइंट भी दे देती हूँ। डी पॉइंट क्या है? शॉर्ट टॉपिक, हाँ टीपीसी लिखती हूँ, अच्छा बाबा, हाँ शॉर्ट टॉपिक एप्रिशिएटेड, एप्री लिखते वहां पे, एप्रिशिएटेड, एप्रिशिएटेड बाय रीडर्स, शॉर्ट टॉपिक एप्रिशिएटेड बाय रीडर्स। नॉर्मली हम तीन लिखते हैं, बट यहाँ पे है अच्छे पॉइंट्स तो लिख दिया, नॉर्मली एटलीस्ट तीन तो आप लिखना सब पॉइंट, ठीक है। थर्ड, ए सेकेंड हेडिंग क्या है अपना? स्टिक टू द सब्जेक्ट, आई कैन यूज ना, सब हेडिंग में हम एब्रीविएशन यूज कर सकते हैं। हाँ, हेडिंग में एब्रीविएशन यूज करना है क्या? नहीं। टाइटल में यूज करना है क्या? नहीं। इसके बाद हम रूल्स लिख के लेंगे नोट मेकिंग और समरी के, ठीक है। हाँ, स्टिक टू द सब्जेक्ट, उसमें बोलो एबीसी क्या है। चलो, एबीसी तीन पॉइंट चाहिए स्टिक टू द सब्जेक्ट के लिए, हाईलाइट योर थ्री पॉइंट्स। स्टूडेंट्स, इज ईजी एंड फास्टर फॉर मी टू राइट डाउन अ नोट एंड आस्क यू टू कॉपी। I am taking time, we are giving a lot of time to this because I want everybody to participate in it, right? हाँ, तो please तीन points highlight कर दीजिए, mark कर दीजिए आपके passage में से। चलो जल्दी करो। हाँ, deviate नहीं करना, do not deviate, yes।
readers will get irritated, of course. Yes, first is I would like get to the point. Don't try to impress. I think वो vocabulary के point में आएगा. Plain लिखो करके, है ना? So A, write down. Get to the point. A, get to the main point. Main point. PT लिखा है मैंने. Get to the main point. Do not deviate. मुझे do not deviate का बोलो, deviate को abbreviate कैसे करोगे? ये देखो deviate ऐसा है, आप कैसे उसको abbreviate करोगे? Vowels काट डालोगे? Vowels काट डालो क्या? DVT हो जाएगा. DVT, हाँ? हाँ, but no, get to the point straight, मतलब don't move around, थोड़ा सा ज़्यादा मत दो. No, deviate करना मतलब totally दूसरे point पे चले जाना. You can say okay, then you can add another one also, that is no problem. Do not say, everybody will have a difference of opinion while we are writing, no? So do not DVT. Do not DVT from main point. और सी, ए सी पॉइंट बोलो. डोंट ट्राई टू इम्प्रेस. वो नेक्स्ट पॉइंट पे नहीं आ रहा है क्या? सब लोग इधर क्यों बोल रहे हैं मुझे? वो वोकैबुलरी पे आ रहा है ना? नहीं 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 नहीं, तुम लोग डिविएट करते हो तो क्या हो जाता है? हाँ, डू नॉट ऐड एडिशनल कंटेंट, मतलब जिसमें वैल्यू एडिशन नहीं है वो ऐड मत करो. डू नॉट ऐड, do not add content which does not add any value. Do not add content. अरे बाप रे, नहीं नहीं अच्छा नहीं हुआ ये सेंटेंस. बहुत बार ऐड हुआ ना. वन मिनट, ये काट डालो तुम लोग. वी हैव टू फ्रेम इट प्रॉपरली. या ऐसे बोल सकते हैं, एडिशनल कंटेंट मे नॉट ऐड. हाँ, एडिशनल कंटेंट मे नॉट नेसेसरी, अवॉइड एडिशनल कंटेंट. नहीं नहीं, आई वॉन्ट टू ऐड दैट पॉइंट कि जहां वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा है वो कंटेंट जरूरी नहीं है. एडिशनल कंटेंट मे नॉट एड वैल्यू, ऐसा बोले कि एडिशनल कंटेंट जरूरी है कि इट एड वैल्यू. वील से एडिशनल कंटेंट मे नॉट एड वैल्यू. और वील से डिलीट वन, आई राइट योर. I'll write like this. Additional content may not add any value. Little similar to what institute has given. Additional content may, ठीक है, जिनको लिखना है avoid additional content. Absolutely, see, we can have a difference. सबका same आएगा ऐसा जरूरी नहीं है. हमारे टाइटल भी सेम आएंगे जरूरी नहीं है. सो प्लीज, एडिशनल कंटेंट मे नॉट ऐड एनी वैल्यू. और इससे क्या हो जाता है, रीडर कब इरिटेट हो जाता है? यस, रिपीटेशन इरिटेट्स द रीडर. तो रिपीटेशन, आरपीटी कैसे, रिपीटेशन को कैसे लिखेंगे? आरपीटी, RPT, we can say. Repetition irritates
reader. Actually, repetition, no. Deviation. This is not about talking the same. अरे यार कौन कर रहे रे? दस बार काट के दस बार फिर से लिखने को लगाऊंगी, समझा ना? मच मच नहीं करने का इधर क्लास में ज्यादा. हाँ, आई मेक यू राइट राइट डाउन, कट इट डाउन 10 times एंड राइट इट डाउन अगेन, समझा ना? हाँ. डिविएशन इरिटेट्स रीडर, बरोबर? हाँ. थर्ड हेडिंग. थर्ड क्या है? क्या है? राइट प्लेनली. ओके, राइट सिंपल. राइट प्लेनली. हाँ हाँ. और इफेक्टिव राइटिंग. यस. सो ऑब्लिक आई विल राइट इफेक्टिव राइटिंग. सम स्टूडेंट्स वॉन्टेड टू बी इफेक्टिव राइटिंग. वी कैन गिव दैट ऑल्सो एज द हेडिंग. ए कलो कलो कलो. ए यूज इजी वोकैब. राइट फॉर, उन्होंने बोला जनरल पब्लिक के लिए लिखो. राइट फॉर जनरल पब्लिक and see or make reading enjoyable. मतलब हमको difficult लिखना जरूरी नहीं है. make reading enjoyable. You want to write one more? I think everywhere we've written 4 points. अगर आपको और चौथा पॉइंट देना है तो दे दो. यहाँ पे भी चार जरूरी नहीं, ऊपर चार लिखे तो नीचे भी चार ही चाहिए. हाँ हाँ. डोंट ट्राई टू इम्प्रेस. अवॉइड वर्बोज वोकैबुलरी. यस, दैट इज ऑल्सो गुड. सो डी में अलग अलग आप लिख सकते हो. डोंट ट्राई टू इम्प्रेस. और सम स्टूडेंट्स कैन से अवॉइड, क्या बोला आपने? वर्बोस वोकैब. ए एग्जाम में दोनों करके ऑब्लिक मत लिखना, एक ही पॉइंट लिखना जो आपको चाहिए वो. हाँ बोल रहे. हाँ मार्क्स ने अटेम्प्ट भी ऑब्लिक हो जाएगा. डन. की तुम लिखो. चलो मैंने लिखने वाली की. ए की तुम लिखो. चल. अरे एब्रीविएशंस का की देने का ना. की में क्या है? क्या है? पहला ये है मिनिमम. टॉपिक को भी हमने कर दिया है. टीपीसी एंड एप्रिशिएटेड. मिनिमम मिनिमल. टीपीसी इज टॉपिक. एप्री के बाद कैसा लिखा है मैंने ऊपर? एप्री एंड अपोस्ट्रोफी करके डी. चौथा क्या है? नहीं रे, स्टिक टू द सब्जेक्ट पहले. ये देखो सब्जेक्ट फिर पीटी. अयो क्या हो गया? स्टिक टू द सब्जेक्ट. क्या हो रहा है? एक की तुम लोग कॉपी कर रहे हो. करो खुद से लिखो.
सब्जेक्ट, ये तो बात मत कर रहे, तू ही, तेरी आवाज मैं पहचान लेती हूँ और इधर इधर तक मुझे सुनाई देती है। हाँ, पीटी अच्छी बात नहीं है ये। हाँ, सिक्स्थ इज डीवीटी, डिविएट, सेवन एडिशनल, ए डी डी एन, एडिशनल, मे नॉट एड वी ए एल, वैल्यू, और नाइन में क्या है रे, वो कैब, वो कैब्यूलरी, देख लो और कोई है क्या, की एब्रीविएशन और कोई है क्या, देखो जल्दी, और कोई एब्रीविएशन है, चेक करो, नहीं, नो नो, बस एक और करेंगे, समरी कंप्लीट नहीं हुआ है, समरी विल डू इट नाउ, आई विल गिव यू होमवर्क ऑल्सो, डोंट वरी, बहुत है, होमवर्क भी देती हूँ, समरी भी कराती हूँ। चलो समरी लिखना है, स्टार्ट राइटिंग द समरी। समरी के कितने सेंटेंसेस होने चाहिए यहाँ पे, ये समरी बोला है ना उन्होंने, अराउंड सिक्स लाइंस, सिक्स टू सेवन लाइंस, ट्राई एंड कंप्लीट द समरी राइट नाउ। समरी लिखो, टाइटल तो हमने दे दिया, हेडिंग तो आ गया, इंप्रूव योर राइटिंग, यस, समरी को सिर्फ समरी बोलना है, टाइटल नहीं आता है, पॉइंट वाइज लिखते क्या, नहीं क्या, चलो बनाओ समरी। ये तुम लोग एडिशनल प्रॉब्लम्स जो प्रैक्टिस के लिए वो कैसा करोगे, देर आर लॉट ऑफ, आगे मॉड्यूल क्या करता है, आई हैव ऑल्सो गिवन दोज, दो तीन हम लोग, जैसे हमने अभी तीन काफी एक्सरसाइज कर लिए, नोट मेकिंग के दो कर लिए, समरी बनाना कर लिया, अभी आगे और तीन चार होमवर्क के लिए है, तुम लोग करोगे वो, हाँ, यू विल डू दैट, नो, सो आई विल कीप अ टाइम बाउंड थिंग, और मैं नोटबुक चेक करूंगी, ऑफकोर्स की आंसर्स आपको दिए सो दैट आप उससे मैच कर पाओ बाद में, लेकिन खुद से करोगे, कितने दिनों में हम देखते होमवर्क कितना है, एक डेडलाइन होगा और उस दिन मैं सबकी नोटबुक चेक करूंगी, सो एब्सोल्युटली दैट डे वी विल जस्ट फर्स्ट स्टार्ट विथ चेकिंग द होमवर्क ओनली, ठीक है, हाँ चलो पहले स्टार्ट, अभी समरी लिखो, जरा बैग तो उठा रहे, किसका गिर गया देख, हाँ थैंक यू, क्या किया उसने, सो रहा था, कौन सो रहा था, ये दिखा रहे, मिस हो गया तेरा, दिखाना नहीं लिखा है तो ब्लैंक, कोणी नाव सांगितलं तुला काय करायचंय, चल लवकर कर, वो मारता है बच्चों को, अरे बापरे तुम बहुत खतरनाक बच्चे हो, फिर ये साजन है, तुम्हारे सबके आवाज वो वीडियो में रिकॉर्ड हो रहे मेरे लेक्चर में, पता है क्या, लिख जल्दी, चल फंक्शनिंग ऑफ ईयर, कल समरी है क्या ये, किधर लिखेगा, इधर लिखेगा, बाद में पेन से फेयर करेगा क्या, हाँ।
क्या हुआ क्या है उसको? अनसाउंड माइंड मुझे भी आज लग रहा है, ऐसे बिना ऐसे रीजन के हंसे जा रहा है मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। चलो एग्जैक्टली नेक्स्ट 4 मिनट्स आई वॉन्ट दी आंसर्स समरी आई वॉन्ट कम ऑन You all like this in all lectures or only this lecture? Only law and English. Stop laughing and start writing. Stop it everybody, come on, let's get serious and complete the answer and let's write the summary. Yes, sure. Ready Atara? Very good. Nice. तेरा heading miss out हो गया ना, ये कब करना है? If you want to improve your writing skill, use that improve your writing skill. For improving your writing skill, you should do. हाँ, स्टार्ट विथ दैट ओनली. बाय यूजिंग, यस. ये तूने वैल्यू एडिशन पे कुछ लिखा है कि नहीं? एडिट अन एडिशनल कंटेंट में नॉट बी देयर विच इज कहाँ है? लिखा है ना, लेकिन क्या लिखा है देखा? इट डजंट एड वैल्यू. We should stick to the main. कहाँ है? By the people की जगह readers बोल. People नहीं, readers. We should stick to the main point of the subject without deviating from it. As deviation irritates the reader, we should use easy vocabulary to make reading enjoyable to the general public. Yes. Anyone who will write, show me the summary and wants to come and write here. Come. I'll tell you just to add one sentence there. Tu likhega? Main teri padhti hu. Aaja. Main tujhe add karke deti hu ek sentence. Okay. Keep in mind a few things. Right. I'll check. 1 minute. मैं इसको सिर्फ दिखाती हूँ यहाँ पे. इधर आ जा. Start writing. यहाँ पे lines है. वैसे यहाँ पे लिखना चालू कर.
हाँ 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 डोंट टच एनीवेयर एल्स. हाँ वेट वेट. हाँ आया ठीक है. यू आर टचिंग लॉट ऑफ थिंग्स हियर. डोंट टच देयर. सी जस्ट लाइक दिस. यहाँ नहीं टच करना है, इधर लिखना है. टू कीप कैट टू इम्प्रूव. यहाँ हाँ आप लिखो. इसमें प्रॉब्लम है. देखा भाई देखा. या नहीं ठीक है. राइट ठीक है. टू इम्प्रूव योर राइटिंग स्किल कीप इन माइंड अ फ्यू थिंग्स. यूज मिनिमल. यूज मिनिमल वर्ड्स. Give thought to the topic and edit unwanted words and phrases. ए स्टूडेंट सुनो ना, तुम्हारा एकदम सेम टू सेम मेरे जैसे नहीं आया तो भी चलेगा. इट्स एब्सोल्यूटली ओके. नाउ व्हाट इंस्टीट्यूट विल हैव अ स्लाइटली डिफरेंट आंसर. This is going to be slightly different. It is absolutely okay. तुम्हारा कैसे आया है, तुमने क्या किया है? Notes में से ही चालू किया रहेगा ना तुम लोगों ने भी. So yes, so you know, to improve your writing, keep your writing short and sweet. Use minimal words. Give thought to the topic and edit unwanted words. This will be appreciated by the readers. You should stick to the topic and not deviate from the main topic. Stick to the main topic and do not deviate. Otherwise, readers will be irritated. Then you can say, use easy vocabulary, which makes reading enjoyable for the general public. That's it. Done. Itna hi hai. Do you understand? Likhu main. Give thought to the topic and edit unwanted words and phrases. Unwanted words and phrases. ऊपर का क्या erase हो गया? Thought to the topic. Okay. Stick to the main topic and do not deviate from it. Deviations irritate readers. It done hai kya? Use simple language. And write for use simple vocab bolenge vocabulary. And write for the general public. This makes reading enjoyable. हाँ yes yes, जो notes लिखे हैं उसी को देख के summarize करना है. बिल्कुल absolutely right. ये ले. I've also not written what she has. I've changed it. See what happens when you are writing, you are not comfortable with what somebody else has written. Everybody has their own way of writing. Stick to it. Do not worry about you getting different answers. They have to be different. Okay? हाँ. ए डन है क्या इसका? yeah.
नाउ नोटबुक में लिख के लेते हैं, चैप्टर खत्म हो गया, इसको समराइज करते हैं। नोटबुक खोलो। Write down, dear students, rules for note making. लिखा सबने? हम क्या लिख रहे बोलो मुझे? Rules for note making. करेक्ट। पहले क्या है, रीड द पैसेज केयरफुली, वंस, पहले ऐसे बोलेंगे, रीड इट अगेन, और जब सेकेंड टाइम पढ़ते वक्त क्या ढूंढना है आपको, अंडरलाइन द टाइटल, यू नो यू हैव टू फाइंड द मेन हेडिंग एंड सब हेडिंग्स, रीड इट अगेन एंड अंडरलाइन द मेन हेडिंग एंड सब हेडिंग। Underline the main heading and subheading. करें? फिर क्या करते हैं हम लोग, हर subheading के लिए हम क्या करते हैं, एटलीस्ट फाइंड आउट 3 sub points, राइट? एटलीस्ट 3 sub points, और बड़ा पैसेज होगा तो 3 की जगह पे 4 या 5 भी आप कर सकते हो, राइट? सो फॉर एवरी subheading mark 3 sub points, mark at least 3 sub points. अभी अगर हम मॉड्यूल में देखें तो मॉड्यूल में हमेशा 3 या कहीं तो 4, इससे ज्यादा नहीं, सो 3 to 4 ही होने चाहिए, सो मार्क 3 to 4 sub points, करें? नाउ कंपल्सरी फर्स्ट हेडिंग के लिए क्या है, हेडिंग के लिए नो एब्रीविएशन, हेडिंग में एब्रीविएशन हो सकता है क्या? नो। फिर कहां हो सकता है? सब हेडिंग और उसके पॉइंट्स, सब हेडिंग एंड द सब पॉइंट्स मे हैव, और रादर मे नहीं, शुड हैव abbreviations, subheadings and this should have abbreviations, and or 6th passage note लिखते वक्त क्या याद रखना है, क्या ध्यान रखना है, margins, उसका indentation, right? So keep, follow the rules of indentation or margins, follow the rules of इंडेंटेशन और मार्जिन, और लास्ट में क्या देंगे हम लोग, ऑल्सो प्रोवाइड की फॉर व्हाट, एब्रीविएशंस, ऑल्सो प्रोवाइड की फॉर एब्रीविएशंस, बरोबर? तो एग्जाम के एक दिन पहले ये सब पढ़ के जाना है, नहीं तो पूरा वो नोट्स सब अभी एक, उस दिन कोई नोट मेकिंग नहीं करना है, उस दिन रूल्स पढ़ के जाना है, जितनी प्रैक्टिस है वो पहले करो और सिर्फ रूल्स पढ़ के जाना कि नोट्स कैसे होते हैं, प्रेसी राइटिंग कैसे होता है, रिपोर्ट राइटिंग कैसे होता है, राइट? नाउ यहां पर जैसे हेडिंग लिख दो, फिर रोमन नंबर 1 सब हेडिंग और उसके नीचे के पॉइंट्स A B C, और रोमन नंबर 2 दूसरा सब हेडिंग,
हाँ हेडिंग और टाइटल, हेडिंग और क्या बोल सकते हैं, टाइटल, बरोबर ना। फिर से यहाँ पे ए बी सी थ्री सब हेडिंग, तो मोस्टली दे हैव गिवन थ्री। जैसे बहुत ही छोटा होगा, जैसे ट्विंस वाला टॉपिक था कल, बहुत छोटा था, तो दो ही सब हेडिंग्स थे उसमें, दो टाइप ना, आइडेंटिकल एंड फैटर्नल, तो दो ही थे, ए बी सी, ये फॉर्मेट है। हाँ अरे लिखती हूँ ना रे, हाँ परफेक्ट की बरोबर। और कुछ आपके टिप्स जो आपको लगता है कि नोट मेकिंग में ध्यान देना चाहिए आपने? पैसेज दो बार तो कम से कम पढ़ना है आपको। यस यू कैन अंडरलाइन द सब हेडिंग इफ यू वांट, एब्सोल्युटली। और कुछ आपको ऐसा लग रहा है टिप्स कुछ आपको ये होने चाहिए? नहीं बस अभी बस हो गया, हमको छोड़ ही दो अभी आप, है ना, ऐसा है आपका। All right, it was a good lecture today, very effective. Let's see how much of recording I have done. So I'll see you tomorrow at 2:30. Yes. Yeah, kal hai na class kyun? In case it's not there, I have some work, but I'll try and finish it before the batch timings, of course. But for some reason, agar nahi ho pata hai, toh I will communicate on the group. Mere communication tak aap mujhe group pe sawal mat puchna ki aaj class hai kya, aaj class hai kya. Jab mujhe pata chal jayega, main communicate karungi, which will be well before the time lecture timings. Okay? See you tomorrow at 2:30. Bye. Bye.